पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशी मेघवाल, सांसद साहब बीपी सिंह जी, पूर्व सांसद मानवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सतीश जी और पूर्व मंत्री सांवरलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी, अपने इस भीलवाड़ा क्षेत्र के विधायक रामलाल जी गुर्जर, विधायक शिव जी राम जी मीणा, पूर्व मंत्री रतनलाल जी विधायक अनिता गुर्जर, विधायक रणवीर जी पहलवान, हमारे इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष सुभाष जी और हमारे मंडल अध्यक्ष देहात श्री उदय राम जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सब इस क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरी इतनी भारी संख्या में आई हुई माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगी क्योंकि 5 घंटे से आप लोग यहाँ बैठी हो ये तो एक अपने आप में मिसाल है और मैं जितना भी आपको प्यार दूंगी मैं समझती हूँ कि वो कमी रहेगा। उसके बावजूद भी आपको बहुत बहुत माताएं बहने धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद और मुझे मालूम है कि आप माफ कर दोगी और 10 मिनट और रुक जाओगी, 10 मिनट के लिए और बैठ जाओगी। बस सब माताएं बहनों के साथ साथ मैं मेरे सब बुजुर्गों और भाइयों उनको भी प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं, 5 घंटे बैठना कोई आराम से नहीं बैठा जा सकता, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ बैठे हो, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यहाँ के साथ महानुभाव प्रेस के लोग सब लोगों को मैं आपके स्वागत और आपके यहाँ रहने से हमारी ये सभा को आपने बहुत अच्छा किया है उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, परंतु मैं थोड़ा सा यहाँ गंगापुर के अंदर जाति कर सकती हूँ, मैं इसलिए कर सकती हूँ कि एक किस्म से ये भी अपना ही घर है, यहाँ हमारी जो परिवार की गंगा माई जी थी जब यहाँ से निकली थी उनका यहाँ देहांत हुआ था, उनका मंदिर यहाँ बना हुआ है, मैं यहाँ के बाद वहां जाऊंगी मंदिर दर्शन करने के लिए और इसीलिए ये भी एक किस्म से एक मेरा परिवार ही है, सब लोगों ने उनको संभाल के यहाँ रखा हुआ है, उनकी देखभाल यही लोग करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने परिवार के मानते हुए कहती हूँ। मैंने पता किया क्षेत्र की समस्याएं और पिछले 2 महीने से मैं यही करते आ रही हूँ, जगह जगह पे जहां जहां मुझे निकलने को हुआ मैंने ये पता करने की कोशिश की कि क्या ये 4.5 साल के अंदर जो सरकार है इस सरकार ने कहा हम लोगों का जीवन जीना कुछ महत्वपूर्ण किया, कुछ मदद की, कुछ हल्का महसूस हम लोगों ने किया, तो मैंने देखा कि सब दूर वही समस्याएं थी। आपके शहर के अंदर भी मैं गिनना चाहूंगी, आप मेरे को बता दीजिए कि शहर में ये समस्या है कि नहीं, मेरे को बताया जा रहा है कि शहर में पेयजल की आपूर्ति 4 दिन के अंदर एक बार और वो भी 20 और 30 मिनट के लिए, क्या ये सही है? ये सही है कि शहर के अंदर 4 दिन में एक बार बिजली आती है वो भी आधे घंटे 20 मिनट के लिए, हैंडपंप और ट्यूबवेल के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है, सही है क्या? इतना बड़ा शहर है ये और फिर भी ये स्थिति है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 स्थान पर 3 ही डॉक्टर, ये भी सही है। ब्लड यूनिट के अलावा एक्सरे, ECG जैसे सामान्य जांच सुविधा तो आई नहीं, बिजली के लगातार ट्रिपिंग से लोग बेहाल हैं। आज तो बड़ी चल रही है बिजली जनरेटर, अरे राम राम धन्यवाद आपको, जनरेटर के द्वारा चल रही है, मैं ये सोचा पंखे बड़ा धड़ाधड़ चल रहे हैं सतपुर, तो बिजली की ट्रिपिंग से लोग बेहाल हैं, कहते हैं कि 5 और 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। जो महिलाओं की बिजली मैंने अपनी सरकार के टाइम में पूरी की थी उसमें कहा कि 5-6 घंटे और 3 फेज बिजली भी 3 या 4 घंटे और वो भी बहुत ज्यादा ट्रिपिंग के साथ। माताएं बहने मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बिजली मैंने अलग से आपके लिए दूसरी लाइन निकाली जिसमें सिंगल फेज बिजली मैंने घरों के लिए दिया और मेरा सोच ये था कि 3 फेज बिजली किसानों को हम दे ही रहे हैं परंतु घर के अंदर जो अव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए अगर महिला को एक लाइन दे दी जाए, सिंगल फेज पे दे दी जाए, तो जब ये थके मांदे घर आते हैं तो ठंडक है घर में, खाना बनाने की जगह ठंडक है, कूलर चल जाता है, कहाँ कहाँ फ्रिज है वो भी चल जाता है और नहीं तो एक लट्टू जल ही जाता है,
और अगर बच्चों को पढ़ाना है तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के अंदर अपना लट्टू जला के उसके नीचे बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये परिस्थिति को सोचते हुए हमने आपके लिए एक अलग से लाइन दी। और मैं जानती हूँ कि जब 2008-08 में मैं जब सरकार छोड़ के जा रही थी तो 6 महीने से लगातार परीक्षण मैंने किया था और मैंने पता किया था कि ज्यादातर राजस्थान के गांव में हमने इस बिजली को पहुंचा दी थी और 18 से 20 घंटे बिजली और कहीं कहीं 24 घंटे बिजली का काम इस सिंगल फेज के द्वारा घरों के अंदर महिलाओं को मिलने लगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2008 के 8 दिसंबर तक तो जब हमारी सरकार थी तब तक तो बिजली थी और 2008 के दिसंबर 13 5 दिन बाद वो बिजली जो गायब हुई है वहां से लेके आज तक उस तरीके से बिजली महिलाओं को घर में आज तक नहीं मिली। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों, क्या हो गया? सरकार बदलने से इतना बदलाव नहीं आना चाहिए, जो काम हो चुके हैं वो काम को बढ़ाना चाहिए। परंतु मैंने देखा कि इस सरकार ने पहला साल तो अपने खुद के ढोल ढमाके बजा के खुद के अपने करे एक साल के लिए कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आप लोग जीत गए। दूसरे साल में जो मेरे सब फीते थे, जो काम किए थे मैंने, वो सब फीते काटे और बड़ी मौज मस्ती की कि इधर भी फीता उधर भी। जब हमने सरकार संभाली थी तो एक भी फीता काटने को हमें तो नहीं मिला। पर मैं कह रही हूँ कि जब फीता काटने का काम हो जाता है तो फिर सरकार का ये काम है कि उसमें जो आपने काटा, जो तैयार किया, उसको आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं जो इस सरकार ने किया कि फीता भी काटा और साथ में उस योजना को बंद भी कर दिया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को याद रहे कि मैंने वो योजना बनाई है तो आप लोगों को याद रहेगी कि अच्छा वसुंधरा जी ने किया है, इसलिए उस योजना को भी बंद कर दी। कई योजना ऐसी है उनमें एक सबसे बड़ी माता बहने मैंने जो योजना बनाई थी वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, वो था भामाशाह योजना। आज उस भामाशाह योजना के ऊपर ही आधारित, जिसको दिल्ली के अंदर आधार कहते हैं, वो पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो वो वही है जो भामाशाह योजना पहले थी। उस भामाशाह योजना के अंदर हमने तय किया था और उसके पैसे हमने अलग से रख दिए थे 870 करोड़ रुपए, जिसमें 200 करोड़ रुपए या 161 करोड़ रुपए अभी भी बैंक में पड़े हैं भाई, वो अभी भी बैंक में पड़े हैं। हमने ये कोशिश की थी कि उससे बैंक हमारे साथ आएंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 50 लाख परिवार जिनकी महिलाओं के द्वारा हम बैंक अकाउंट खोलेंगे और महिला खोले उसको प्रोत्साहित करने के लिए 1500 रुपया हम उसमें डालेंगे और उसके साथ साथ उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा भी हम उसके साथ डालेंगे, ताकि जिसके पास वो कार्ड है वो स्वास्थ्य बीमा को इस्तेमाल करके अगर कोई मुसीबत हो तो अस्पताल उस 30,000 रुपए तक जा सकता है। उसके अंदर हमने लघु और सीमांत कृषक को जोड़ा, उसमें हमने एससी और एसटी को जोड़ा, उसमें हमने बीपीएल परिवारों को जोड़ा और भी हमने इनको सबको जोड़ के ये कोशिश की कि उसके अंदर पेंशन स्कीम भी आ जाए, उसके अंदर आपके महिलाओं की स्कीम भी आ जाए। सब पैसा उस बैंक अकाउंट में जाएगा और आप लोगों को जैसे आपका लगता है वैसे आएगा। अब मैं पत्र पूछना चाहती हूँ कि उसी समय उन्होंने कोर्ट में जाके उसको बंद करवाने का काम किया, अगर वो स्कीम आपकी 2008 से लागू हो जाती तो आज ये 2-3 महीने जो रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रेवड़ी बांटने को उनकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि 4.5 साल से वो सब पेंशन और पैसा वो सब आप लोगों तक आराम से पहुंच जाता, व्यवस्थित रूप से पहुंच जाता, ये सब जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं। बंद नहीं किया उस स्कीम को, दिल्ली में लिया और उस स्कीम को आज पूरे देश के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके ऊपर आप सब लोग गर्व कर सकते हो क्योंकि वो राजस्थान की स्कीम थी, पहले राजस्थान में लगनी चाहिए थी और अगर राजस्थान में लग जाती तो हमारे सब गरीब परिवारों को उससे राहत मिलती। पर ऐसा नहीं होता है। मैं तो देख रही हूं कि यहां आपके बिजली नहीं है, आपके पानी नहीं है, आपकी सड़क क्या हाल है, सड़कों की मुझे नहीं मालूम आप लोगों के अंदर की सड़कों की क्या हाल है, परंतु जिन सड़कों पर मैं चल के आई हूँ वो तो सब हाईवे नहीं थी, ऐसी हालत है उन लोगों की, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और मैं पूछ रही हूँ कि 4.5 साल में क्या इनकी मरम्मत भी नहीं हो सकी, नई सड़कें भी नहीं बन सकी, और नई सड़कें बन गई तो 6-6 महीने में उखड़ गई है। अभी मैं टोंक जिले में आ रही थी जयपुर होते हुए, तो जयपुर से जब निकली तो बिल्कुल गड्ढे गड्ढे की सड़क,
मैंने इसके बारे में पता किया तो उन्होंने बोला कुछ 6 महीने पहले इसको ठीक करने का काम कर दिया है। आगे बढ़े तो बहुत ही सुंदर काला सा डामर पड़ा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि इतनी अच्छी सड़क बन गई है। कुछ थोड़ा आगे चले तो एक गड्ढा, और आगे चले तो डामर गायब, और आगे चले तो डामर गायब। मैंने कहा कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा ये 7-8 महीने हो गए और अभी बरसात ही नहीं हुई है। जब बरसात होगी तब वो सड़क की क्या हालत होगी ये आप सोच ही लो। ये तो आज सरकार की हालत है। जहां मैं जाती हूँ माता बहने, आप लोगों से जहां मैंने पूछा है कि क्यों भाई स्कूल में टीचर है क्या, तो सब माता बहनों ने हाथे ऊपर करके मेरे को ये कह दिया कि नहीं है। अभी भी कह रही हो ना, है टीचर है? अरे मैंने ऐसा किया तो मत करना। है क्या टीचर? नहीं है। है डॉक्टर? जहां मैं जाती हूँ मेरी हालत यही है। मैंने पूछा तो टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अरे बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, तो क्या है? क्या करके रखा हुआ है? जोरदार 4.5 साल से खाना पीना इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। भीलवाड़ा में चले जाओ तो मिल को मैंने आपने बेच दिया, आपने बड़े बड़े खरान जो थे उनको दे दिए, आपने होटल बना के अपने बच्चों को दे दिए, आपने जमीन 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट की जमीन वैसे ही बेच दी, किसानों को नहीं मिली, परंतु आप लोगों ने अपने बीच में रेवड़ियां बांट ली। ये राजस्थान के अंदर ही नहीं चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। महंगाई कमर तोड़ जिसके नीचे माताएं बहनें मरी जा रही, और ये सब छोड़ दो जिस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, किसी भी परिवार में ऐसा हो तो मैं समझू उसका मुखिया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। महिला अपना सिर उठा के नहीं चल पाती, रोज अत्याचार की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। अगर बेटी बाहर जाती है तो माँ बाप का दिल धड़कता है कि मेरी बेटी वापस आती है कि नहीं आती है, और अगर आती है तो कब आती है, और जब तक वो घर के अंदर अपना पैर नहीं रख देती तब तक उनके दिल वैसे धड़कते ही रहते हैं। सबने पढ़ लिया होगा कि जयपुर के अंदर क्या हुआ, मूक बधिर। अरे मूक बधिर आपकी बच्ची भी हो सकती थी, उनके साथ 8 महीने 9 महीने बराबर अत्याचार होते रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। 30 अप्रैल के महीने में मालूम पड़ा कि ये सब हो रहा है, कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसी समय राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान के अंदर हो रही थी। राजस्थान का ये सब मालूम हो जाए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी क्या कहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीआर खराब हो जाए, सीआर खराब हो जाए तो ये महिला मरे या जिए इनसे हमें क्या मतलब है, इसलिए हमने तो कुछ बोला ही नहीं। और आज हमारी अस्मत की कीमत 3 लाख रुपया, ये बच्चियों को जाके आपने कह दिया कि भाई 3 लाख रुपए ले लो और सब हो जाएगा ठीक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी बच्ची होती तो मैं जानती हूँ कि मैं कैसी बदहाल हूँ। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, आपकी होती तो आप क्या करते? और मैं कहती हूँ ये भी कि जिस घर में उसकी महिला सुरक्षित नहीं है, जहाँ उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन, उसकी माँ, अगर वो परिवार के अंदर सुरक्षित नहीं है तो परिवार सुरक्षित नहीं। अगर परिवार की इज्जत स्वाभिमान जो उसकी महिला है उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो ये मान के चलो कि परिवार के स्वाभिमान और इज्जत को लात मारी जा रही है। मैं तो राजस्थान के इस परिवार को पूछना चाहती हूँ जो घास की रोटी खा के भूखा सो जाता था परंतु अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देता था, ऐसे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम अपनी महिला की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए देखेंगे? क्या इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे? सब लोग बैठे हुए हैं, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से। आज मैं आपको ये भी कहना चाह रही हूँ, लगा हुआ है इलाका आपका मध्य प्रदेश का, लगा हुआ आपका इलाका है गुजरात का, गुजरात के इलाके के मध्य प्रदेश के इलाके में वहां की जनता ने उनके मुख्यमंत्री को 10 साल दिए और 10 साल के अंदर कायाकल्प करके छोड़ दिया मध्य प्रदेश का। इधर गुजरात को 15 साल दिए और 15 साल के अंदर राजस्थान आपके देश नहीं दुनिया के नक्शे के ऊपर गुजरात को ला के रख दिया। सब लोग गुजरात का नाम जानते हैं और यहाँ मैं राजस्थान में जब बात करती हूँ तो सबसे पहले किसान व्यापारी मेरे से ये कहते हैं कि साहब ऐसा बना दो, ऐसा काम करा दो जैसे गुजरात में हो रहा है वैसे हमारा काम भी करा दो। परंतु राजस्थान के अंदर 5 साल मेरा छोड़ के और भैरव सिंह जी का 7 साल छोड़ के
बराबर 53 साल हम लोगों ने राज दिया है तो एक ही परिवार को और एक ही पार्टी को, वो है कांग्रेस पार्टी। और क्या हाल, कैसे हाल, कैसे नरक में इस प्रदेश को छोड़ के रखा है, वो देख के मुझे तो शर्म आती है और मुझे दुख होता है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, 10 और 15 साल के अंदर जब नक्शा बदल सकता है तो क्या आप और हम एक नया राजस्थान बनाना नहीं चाहते हैं क्या? क्या माता बहने, आपको ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए जिसमें आपका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए और उसको अच्छी तरह से उसका रोजगार मिले? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो जब टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो हमारा बच्चा बड़ा होकर कैसे रोजगार पाएगा? हमारे समय में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी थी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां। तो अगर हम लोग 5 साल के अंदर दे सकते थे तो अभी भी दे सकते थे, परंतु नहीं दिया, वो इच्छा शक्ति की कमी थी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको रोजगार मिले तो अपने घर में अपने परिवार को संभालने वाला बच्चा वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ऐसे बच्चों की स्थिति हम करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, परंतु निवेश करने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले, वो तो राजस्थान में तो तब आएंगे भाइयों और बहनों जब यहाँ बिजली होगी, जब यहाँ पानी होगा, जब रोड होगा। जो मूलभूत समस्या अगर नहीं है, वो ठीक नहीं हो जाती है मूलभूत समस्या, तो कौन आदमी बाहर से आके यहाँ पैसा लगाएगा मुझे बताओ उसे? और नहीं लगाएगा तो नौकरी कहां से आएंगी? माता बहने, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक नया राजस्थान बने तो 1.5 लाख टीचर की जो नौकरी खाली पड़ी है उसमें हमारे बच्चे बने टीचर, डॉक्टरों की जो नौकरियां खाली पड़ी है उसमें डॉक्टर बने, जो हमारा कर्मचारियों की नौकरी खाली पड़ी है उन कर्मचारियों की नौकरी के अंदर हमारे बच्चों को चांस मिले, अगर आप लोग ये सब चाहते हो तो फिर एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो संवेदनशील है, जो जनता से जुड़ी हुई है, जो आपकी आंखों में आंख डाल के आपसे पूछती है कि फिर हमें आगे क्या करना है, तभी तो होगा। किसान से पूछो तो किसान हमको ये कहता है कि हमको बिजली समय पर नहीं, हमको पानी समय पर नहीं, हमको बीज समय पर नहीं, हमको खाद समय पर नहीं, और हम अपना सामान लेके बाजार में जाते हैं तो उसको मूल्य सही तरीके से हमको नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जयपुर के अंदर तो मेरे को बड़े बड़े अखबार में दिखाई दिए कि जब पाला पड़ा था, जब ओले पड़े थे, जब वहां आपकी फसल नष्ट हुई थी तो उसके लिए हमने मुआवजे का इंतजाम किया था, क्या आपको मुआवजा मिला? किसी को मिला या? इन्होंने ये भी कहा था कि 1,50,000 तक ऋण बिना ब्याज का हम अपने किसानों को देंगे। है कोई किसान जिसको मिला? नहीं मिला ना? तो किसानों के हाथ फलहाल मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ आप लोग बैठी हो, है कोई यहाँ जिसको सस्ती दवाई मिली है? आप लोग बताओ, किसी को मिली है? ऐसा है कोई जिसकी मुफ्त जांच हो गई है? ऐसा है कोई जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? ऐसा है कोई जिसको 50,000 रुपए मकान बनाने के लिए बिना रिश्वत के मिला है? है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो बातें अखबार में पढ़ने को मिलती है, मुझे रोज मिलती हैं। अब अखबार में कहां से आ रही है? किसान तो जहां भी जाती हूं मैं, जिसके पास जाती हूं, तो मेरे को यही कहता कि नहीं है। कौन सी सरकार है जो बिल्कुल 4 साल तक कुछ नहीं करती और 4 साल और 6 महीने के अंदर अपने जनता के बीच में आके और भेजती है रेवड़ी कि ले लो, क्या चाहिए ले लो, परंतु वोट जरूर दे देना। इनका तरीका है वोट लेने का। कहते हैं कि मुसलमान जाएंगे कहां, हमको तो हमें वोट देना ही है। ऐसी और ऐसी वोट जाएंगे कहां, ये तो हमारे जेब के वोट है, वो हमको वोट देंगे ही देंगे। और मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि ये किसी के वोट नहीं है, किसी के जेब के वोट नहीं है, वोट है तो वो विकास के वोट है। अगर पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, हमारे मूलभूत सुविधाएं अगर हमको मिल जाएंगी, अगर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो वहां हम उनको वोट देंगे जो हमारा हाथ पकड़कर विकास के रास्ते के ऊपर ले जाएंगे। ये माताएं बहनें, मैं समझती हूं कि हम लोग सब चाहते हैं। और मैं आप लोगों को अगर ये कहना चाहती हूं आज कि फिर 6 महीने बाकी बच रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे, फिर हमारे बीच में हमको CBI से डराएंगे, फिर कहेंगे कि तुमको CBI जेल में बंद कर देगी, फिर हमको कहेंगे कि आपके पीछे पुलिस वाले लगेंगे, आपके काम को रोकेंगे, इन सब चीजों में, इन सब बातों में मत आना। इतना याद रखना कि राजस्थान का अगर चौमुखी विकास होना है तो एक ही तरीके से हो सकता है,
वो सब जाति जब एक साथ आ जाएंगे, सब मजहब जब एक साथ आ जाएंगे, जब एक डोर में हम लोग अपने परिवार को बांध के रस्ते विकास के ऊपर चल पड़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी आप लोगों को जो नहीं मनेगी, और जो आपका काम ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होगा। और राजस्थान में विकास होगा, होगा आगे चल के होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं तो दौड़ धूप करने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक अकेला व्यक्ति उसके हाथ में जादू नहीं है। हम लोग तो आपके आगे भाग सकते हैं, साथ में ताकत देने की तैयारी आप लोग करोगे, करोगे क्या? अगर आप लोग साथ में चलने की और ताकत देने की या मैंने पूरी तरह से हमारी मदद करोगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि वो काम होगा, कोई नहीं रोकेगा। हो सकता है कि समय लगेगा, परंतु उस 5 साल के अंदर हम लोग मेहनत करके राजस्थान को नए रास्ते के ऊपर लगाने का काम कर सकते हैं। करोगे? करोगे? हाँ करोगे ना। तो मैं कह रही हूँ, एक ऐसा सुंदर सा नया विकसित राजस्थान जिसमें हमारी महिला खड़े होके अपने सिर ऊंचा करके बिना अत्याचार के और सुरक्षित सड़क पर चल सके, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे पढ़े लिखे और उनको आराम से रोजगार यही राजस्थान में मिले, कहीं उनको बाहर जाने की जरूरत ना हो। हमारा ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान मजबूत हो जाए, जिसमें उसके शक्ल के ऊपर मुस्कान हो, जिसको सही समय पर बिजली मिले, पानी मिले, खाद मिले, बीज मिले और अच्छी फसल के दाम मिले, ऐसा किसान हो जाए। एक हस्तम व्यापारी जो धंधा करेगा हमारे हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और बाहर से आएंगे ऐसे लोग जो निवेश करेंगे, हमारे लोग उसके अंदर जुड़ जाएंगे, ऐसी फैक्ट्रियां खड़े हो, ऐसा राजस्थान खड़ा हो। इतिहास में राजस्थान को खाली देखने और छूने के लिए लोग आते थे, हम चाहते हैं कि फिर से राजस्थान में आए, परंतु एक नए राजस्थान को देखने और छूने आए और दुनिया में इनको कहने आए कि ये है नया राजस्थान। अगर गुजरात है तो राजस्थान भी है, अगर मध्य प्रदेश है तो राजस्थान भी है, और ये सपना नहीं है भैया, हम लोग इसको कर सकते हैं। आपको बस तैयारी होने की जरूरत है, हम तो दौड़ेंगे जो भागेंगे, परंतु साथ चलना है। ये मैं माता बहने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ, ये जिम्मेदारी लोगे? और ये माँ याद रखना, गंगापुर सिटी है ये, गंगापुर जो हमारा क्षेत्र है, इस गंगापुर के अंदर हमारा भी खून पड़ा है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ। सब लोग मेरे साथ एक जोरदार नारा देंगे, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाइयों, माताएं बहनों की आवाज निकल रही है आपके मुंह में, क्या हो रहा है? जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए एक नारा दो, जोरदार नारा, जिससे राजस्थान के अंदर तेजी आ जाए। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। चलो साथ चले, एक नया राजस्थान बनाए। जिम्मेदारी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मेरे गंगापुर की सब माताएं बहने बुजुर्ग भाइयों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार।